नमस्ते दोस्तों, कढ़ाई वेजिटेरियन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट रवा उत्तपम। ये सॉफ्ट और फ्लफी उत्तपम आप कभी भी झटपट बना सकते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले एक फन फैक्ट सवाल, क्या आप जानते हैं पुरातन काल में इजिप्शियन लोग किस सब्जी की पूजा करते थे? इस सवाल का जवाब हम देखेंगे रेसिपी के बाद। यहाँ पे मैंने कुल मिला के 2 कप सूजी यानी रवा लिया है, उसमें 1 कप दही डाला है। अभी इसमें स्वादानुसार नमक डालेंगे और थोड़ी अदरक की पेस्ट डालेंगे, साथ में ही कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। आप चाहे तो इसमें कटा हुआ धनिया भी डाल सकते हैं। अभी इसमें मैंने 1 कप पानी डाला है। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर बैटर की कंसिस्टेंसी के हिसाब से पानी और डालेंगे। हमें यहाँ पे बैटर की कंसिस्टेंसी फ्लो ही चाहिए, यानी जब हम उसको तवे पे डालेंगे तो अच्छे से फ्लो होना चाहिए, नहीं गिरना चाहिए। बैटर एकदम ठीक भी नहीं चाहिए और एकदम पतला भी नहीं चाहिए। अभी मैंने और आधा कप पानी डाला है और इसको ढक के रखेंगे 20 मिनट तक। तब तक हम जो टॉपिंग्स हैं वो तैयार कर लेंगे। टॉपिंग्स के लिए मैंने यहाँ पे गाजर, येलो कॉर्न, शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और मटर लिए हैं। आप अपने हिसाब से सब्जियां चुन सकते हैं। आप इसमें डालेंगे नमक, थोड़ी लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और लहसुन की चटनी। लहसुन की चटनी और चाट मसाला ऑप्शनल है। आप चाहे तो इसमें काली मिर्च के पाउडर भी डाल सकते हैं। टॉपिंग तो भी तैयार है, अब हम बैटर को देख लेते हैं। देखिए, ये बैटर थोड़ा गाढ़ा हो गया क्योंकि सूजी ने पानी एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए मैंने इसमें आधा कप पानी डाल के इसे एडजस्ट कर लिया है थिकनेस। मैंने तवा मीडियम आंच पे गरम करने के लिए रखा था, वो गरम हुआ कि नहीं ये देखने के लिए पानी छिड़का है। पानी की भाप हो रही है, यानी तवा अच्छे से गरम हो चुका है। एक्सेस पानी को पोंछ देंगे। तवे पे थोड़ा सा तेल लगा के इसपे बैटर डालेंगे और बाद में टॉपिंग्स भी डालेंगे। तवा अगर बहुत ठंडा होगा तो जो उत्तपम है वो च्यूई और अनकुक रहेंगे, और अगर तवा बहुत गर्म होगा तो जो उत्तपम है वो तवे को चिपक जाएंगे, इसलिए मीडियम हीट पे ही मेंटेन करना है तवे को। ये बैटर आप बना के फ्रिज में रख सकते हैं, 2-3 दिन फ्रिज में बहुत अच्छा रहता है, और जब चाहे तब आप फटाफट ये रवा उत्तपम बना सकते हैं। अभी 2-3 मिनट के लिए एक साइड पे मैंने उसे पकने दिया था, अभी दूसरी साइड पे भी वैसे ही 2-3 मिनट पकने दिया है। उत्तपम तैयार है, अभी हम दूसरा उत्तपम भी तैयार कर लेते हैं फटाफट। यहाँ पे मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगी। यहाँ पे हमने दही इसलिए डाला था बैटर में ताकि जो उत्तपम है वो सॉफ्ट बने, क्योंकि अगर सिर्फ पानी डालेंगे तो उत्तपम थोड़े ड्राई और हार्ड हो सकते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे मैंने बैटर को 20 मिनट तक के लिए रेस्ट करने के लिए रखा था, पर अगर आपको कभी जल्दी में ये बनाना है तो आप एटलीस्ट 10 मिनट के लिए सूजी को पानी में भिगो के रहने दें ताकि सूजी को पानी एब्जॉर्ब करने के लिए टाइम मिले, और बाद में उसमें एक चुटकी भर सोडा या फिर एक चुटकी भर इनो डाल के ये उत्तपम आप बना सकते हैं। पर अगर टाइम है तो बैटर को 15-20 मिनट के लिए रेस्ट करने दें और बाद में उत्तपम बनाएं। बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी बनते हैं उत्तपम। ये गर्मा गर्म ईजी हेल्दी नाश्ता आपको भी ज़रूर पसंद आएगा। ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अब हम देखेंगे फन फैक्ट के सवाल का जवाब। तो फन फैक्ट का सवाल था, पुरातन काल में इजिप्शियन लोग किस सब्जी की पूजा करते थे? जवाब है प्याज। जी हाँ, वो ऐसा मानते थे कि प्याज का गोल शेप और उसमें जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है वो सिंबल है अनंत काल का। इसलिए जब वे राजाओं को या रानियों को कब्र में दफन करते थे तब उसमें वो प्याज रखते थे। उन्हें ऐसा लगता था कि ऐसा करने से उनके आफ्टर लाइफ में प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। ये था फन फैक्ट के सवाल का जवाब। आपकी सुविधा के लिए यह है इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट। मैं आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब।